डोंगरगढ़ मुख्यालय के अनंत नारायण दत्ता कमांडेंट 40वीं वाहिनी भारती सिपू बल के कुशल निर्देशक में एवं तरुण कुमार बंजारी द्वितीय कमान सामरिक मुख्यालय डोंगरगढ़ के नेतृत्व में स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छता ही सेवा थीम पर स्वच्छता रन का आयोजन किया है। इस स्वच्छता रन का मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस रन का आयोजन डोंगरगढ़ थाना चौक से नेहरू महाविद्यालय तक किया। इस दौरान आईटीबीपी के सभी पदाधिकारियों एवं योद्धा फिजिकल डिफेंस एकेडमी डोंगरगढ़ के युवाओं द्वारा स्वच्छता रन में भाग लिया तथा स्थानीय लोगों को गांव व अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित किया है। 2 अक्टूबर तक चलने वाली इस मिशन के संबंध में 40वीं वाहिनी द्वितीय कमान तरुण कुमार बंजारी ने कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार 40वीं वाहिनी की सामरिक मुख्यालय में दिनांक 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छता जागरूकता संबंधी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि इससे पूर्व दिनांक 14 सितंबर को इस वाहिनी के पदाधिकारियों द्वारा श्री मूछ वाले हनुमान मंदिर परिसर एवं महावीर तालाब में सफाई कार्यक्रम आयोजित किया था। उन्होंने कहा है कि स्वच्छ समाज के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। ये जो आप कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है भारत सरकार के निर्देशों पे अभी स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया है और किया जा रहा है। ये हमने तो सितंबर के मध्य से शुरू किया है और ये 2 अक्टूबर तक के चलेगा जिस दिन गांधी जयंती है। इस बीच में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं स्वच्छता से संबंधित। जैसे कि आपको विदित है हमारा जो पहला कार्यक्रम था वो हनुमान मंदिर महावीर तालाब में था। महावीर तालाब की हमने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर के सफाई की थी। वहाँ पे लोगों का हमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला था। नगर पालिका अध्यक्ष भी वहाँ पर सफाई के दौरान आए थे और जब हमने पूरी सफाई की वहाँ पर तो बहुत बड़े स्तर पर वो कार्यक्रम हुआ जिसमें लगभग 1 ट्रैक्टर जो कूड़ा है वो वहाँ से निस्तारित किया गया था। आज के लेकर के कॉलेज तक का जो एरिया था यहाँ पर सफाई अभियान का आयोजन किया है और इस प्रकार का जो ये आयोजन है इस पूरे पखवाड़े चला रहेगा और जगह जगह हम सफाई अभियान का आयोजन करेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे।